बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप लोग देख रहे हैं जमशेद आसमी इंफॉर्मेटिव चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान जहाज़ीब जमशेद। प्रोग्राम को शुरू करेंगे अल्लाह के बाबरकत नाम से। बाकी तमाम हमारे गैर मुस्लिम व्यूअर्स को हेलो और रिस्पेक्ट। आज आप व्यूअर्स को एक नए सेटअप पे लेकर आए हैं। जी हाँ, आज हम रोजी खान साहब के पास गए थे सदर में, तो उन्होंने हमसे वादा किया था कि वो हमें एक सेटअप का विज़िट कराएंगे। तो आज रोजी खान साहब हमें एक पैरट्स के सेटअप पे आए हैं। तो आइए जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर कितने इकसाम के पैरट मौजूद हैं और कौन कौन सी वैरायटी मौजूद है। पैरट्स आपको दिखाएँगे, उनकी प्राइस आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले चल के बात करते हैं रोजी खान साहब से। तो व्यूअर्स, रोजी खान साहब हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? अल्लाह का शुक्र, कैसे हैं? खैरियत से हैं। अल्लाह का शुक्र, आप सुनाओ भाई, ठीक ठाक हूँ। नज़ीम भाई जी, अल्लाह का शुक्र। रोजी भाई, आपने हमसे वादा किया था कि आप हमें एक सेटअप को विज़िट करवाएंगे, इसी वजह से हमने हमारी कुछ रिकॉर्डिंग्स कैंसिल करके आपके लिए टाइम निकाला, यहाँ पर आए। ये बताएँ कि यहाँ पर जो आप सेटअप पर आपने हमें बुलाया, कौन कौन से पैरट्स दिखाने के लिए बुलाया? भाई यहाँ पे जो मैंने आपको बुलाया, आपको पहले सबसे पहले जो मैंने आपका कहा था कि भाई मैं नज़र की बजने की वजह से भी मैं ज़्यादा माल यहाँ पे भी रखता हूँ, दुकान पे भी। जैसे मैं माल उठाता हूँ तो मैं फिर पहले सबसे पहले यहाँ पे माल लेकर आता हूँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से मैं दुकान पे माल लेकर आता हूँ। जो मैं लोगों से कहता हूँ कि मैं जो आपको गारंटी देता हूँ कि ये ब्रीडर पेयर है, तो वो वाकई ब्रीडर पेयर ही होता है। जैसे लोगों की तरह नहीं कि लोग कहते हैं कि भाई ये ब्रीडर पेयर है, वो है नहीं। तो अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने ग्रीन मीन भी रखा है, ब्लू गोल्ड भी रखा है, यहाँ पर मैंने पहाड़ी भी रखा है, येलो और ग्रेडल सल्फर मेजर मिचेज में आपको सब माल दिखाता हूँ। और अभी कुछ माल मैंने जो आपको फार्म का कट्टू दिखाया, मेरे पास तकरीबन तीन पेयर के करीब थे, दो पेयर मैं सेल कर चुका हूँ, एक पेयर मैंने आपको दुकान में दिखाया है। और कुछ और भी माल में दुकान अभी आज सुबह मैं यहाँ से लेके गया हूँ, मैंने कहा शायद आप लोग नहीं आए, लेकिन आप लोग आ गए, तो मैं वहाँ पे भी आपको मेजर मिचेस का पेयर है, पहाड़ी है, वो आप ही भी दिखाऊंगा, यहाँ पे भी आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा रोजी भाई, ये बताएं कि ये वो प्लेस है जहाँ पे आपके पैरट्स होते हैं, यहाँ से आप शॉप के पास शॉप में लेके जाते हैं? जी, जैसे मैं लोगों से कहता हूँ कि भाई ये ग्रीन विन का ब्रीडर पेयर है, आप लोग कहते हैं कि पता नहीं कहाँ से ब्रीडर पेयर है, रोजी भाई ने कहाँ से लेकर आया, तो भाई मैं इस वजह से देखा, अभी मैं आपको सब दिखाऊंगा कि भाई ये पेयर मैंने सबके लिए केजेस बनाए हुए, ये मेरा फार्म है यहाँ पे, मैं इस वजह से ज़्यादा लोगों को भी नहीं लेकर आता हूँ, और ज़्यादा माल मैं आजकल दुकान पे भी नहीं रखता हूँ, क्योंकि आपको पता है पहले मैंने इसमें बहुत नुकसान उठा चुका हूँ, बहुत लोगों की नज़रें इस वजह से, तो मैंने अब माल यहाँ पे भी रखा है और वहाँ पे भी। जैसे अभी किसी को मैंने माल दिया था तो उसको ज़्यादा हिसाब चाहिए था फार्म के लिए, तो मैं यहाँ लेकर आया था, उसको मैंने ज़्यादा माल दिया हुआ है यहाँ से। चलें रोजी खान साहब, सेटअप पर विज़िट करते हैं, आपके जो आप सेटअप है इसमें पैरट देखते हैं और व्यूअर्स को दिखाते हैं। हाँ जो देखते हैं जी। रोजी भाई, यहाँ पर जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, काकाटू की एक स्पीशी है, इसके बारे में बताएं। जी, मैंने आपसे जो कहा था ओरिजिनल ग्रेडल सल्फर काकाटू, ये है ग्रेडल सल्फर काकाटू का पेयर है, तकरीबन ये है 14 से 15 साल का पेयर है, ब्रीडर पेयर है और अंडों बच्चों का भी गारंटी है। अच्छा, आपने एक अल्फाज कहा ओरिजिनल, तो क्या इसमें कुछ क्रॉस वगैरह भी आते हैं? ऐसे वो आते हैं, जैसे कभी कभी मैं आपको दुकान में दिखाता हूँ कि मैं कहता हूँ ये क्रॉस में है, ये जो टाइट्रोन काकाटू और ग्रेडर क्रॉस है, लेकिन वो उसका और साइज इसका साइज़ में बहुत फ़र्क है। आप ये देखो माशाल्लाह, इसे इसका मलकन काकाटू से भी इसका साइज़ बहुत बड़ा है माशाल्लाह, ये बिल्कुल ओरिजिनल ग्रेडर सल्फर है। अच्छा, वैसे आइडिया इसका साइज़ थोड़ा सा मेंशन करना। साइज़ इसका बहुत फ़र्क है, जैसे मीडियम और टाइट्रोन काकाटू में कितना फ़र्क है, फिर टाइट्रोन से और ग्रेडर में इतना फ़र्क है, मलकन काकाटू से भी इसका साइज़ बड़ा है माशाल्लाह। अच्छा, सबसे बड़े साइज़ में काकाटू ये होता है? ग्रेडर सल्फर से और काकाटू बड़े नहीं आते। अच्छा, ये बताएं कि ये ब्रीडर पेयर है? जी, ये ब्रीडर पेयर है, ब्रीड की गारंटी है भाई। अच्छा, ये बताएं कि पेयर की डिमांड क्या है? इसके पेयर के डिमांड मैंने रखे 10 लाख रुपये। 10 लाख रुपये पेयर के डिमांड है, जिसमें आप ब्रीडिंग की फुल गारंटी देंगे? फुल गारंटी है, ब्रीडर की फुल गारंटी है। जो मेरे तरफ है ये देखो, ये फीमेल है, जो आगे उस तरफ है वो मेल है। हमारे बहुत सारे व्यूवर्स तो पहचान गए होंगे, क्योंकि हम लोग बार बार वीडियोस में मेंशन कर रहे होते हैं, जिसकी आई रेड कलर की होती है वो फीमेल होती है। जी, जिसका ब्लैक है वो जो ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या दिखाएंगे रोजी भाई? अभी आपको पहाड़ी दिखा रहे हैं, येलो पहाड़ी दिखा रहे हैं। येलो पहाड़ी दिखा रहे हैं, येलो पहाड़ी दिखा रहा हूँ। उसमें जो है जो मेल है वो येलो अलेक्जेंडर होलिफ है, और जो फीमेल है वो ओरिजिनल येलो है। चले नज़र डालते हैं। जी व्यूअर्स, तो देख सकते हैं आप लोग के यहाँ पर हमें आज येलो पहाड़ी भी नज़र आया है, काफ़ी टाइम के बाद हमने देखा येलो पहाड़ी, तो इसके बारे में मालूमात लेते हैं। जी रोजी भाई। जी, मेरे पास ये पहाड़ी दो पेयर यहाँ पे इस वक्त मौजूद है, जिसमें पहाड़ी का जो मेल है वो क्रॉस में येलो अलेक्जेंडर क्रॉस है, और जो फीमेल है वो ओरिजिनल वो येलो है। आप देखो एक पेयर ये है, एक पेयर अभी मैं आपको नीचे दिखा रहा हूँ, जिसके माजी माशाल्लाह से। इसके बारे में बताएं कि इनकी एज कितनी है, क्या ये ब्रीडर पेयर है? इसका एज तकरीबन है 7 से 8 साल का पेयर है ये,
और बिल्कुल माशाल्लाह से ब्रीडर है और इंशाल्लाह ये इसी सीजन में हमारे पास इधर ब्रीड करेगा इंशाल्लाह। फिरोजी भाई एक बात और बताएगा, इसमें जो दो कलर के आप बता रहे हैं, इसमें जो ब्रीड आती है वो किस रिजल्ट में आती है, किस कलर में आती है? भाई हमने बहुत आजमाया हुआ चीज़ें कि ओरिजिनल जो जोड़ा है उसमें बहुत कम ब्रीड आ रहा है, इस वजह से फिर हम जोड़े को तोड़ के हम लोग लगाते हैं, क्योंकि इसका जो येलो का मेल और येलो की फीमेल उसमें बहुत यानी 100 में 25% भी चांस नहीं है कि ब्रीड आ जाए, इस वजह से फिर हम लोग तोड़ लेते हैं भाई। यानी इनकी ब्रीड बहुत ज़्यादा रेयर है, बहुत मुश्किल से ब्रीड करते हैं। बहुत मुश्किल है ओरिजिनल, जैसा येलो भी ओरिजिनल, ब्लू, वाइट, जो भी ओरिजिनल जोड़ा है उसको हम लोग तोड़ते हैं, क्योंकि ये जो ये तो क्रॉस से बने होते हैं, फिर इसके बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, तो इस वजह से फिर हम लोग इसको तोड़ देते हैं। जो मेल है उसको होलिफ का फीमेल ले देते हैं, वो जो होलिफ है वो भी सादा नहीं है, उसमें भी स्प्लिट है, जैसे उसका माँ बाप वाइट भी हो सकता है, उसका माँ बाप येलो भी हो सकता है। अभी जो इसके साथ अच्छा, जो ये, है होलिफ बताएगा कि आपने अभी तक इनसे ब्रीड हासिल ली? जी इससे मैंने हासिल किए। तो ये बताएं कि रिजल्ट कैसे आते हैं, किस कलर में चिक्स आते हैं? इसमें होलिफ भी है और येलो भी है। अच्छा, यानी येलो भी है और ऑलिव भी है। और ये बताएं कि ब्रीडिंग परसेंटेज कितने में हमें मिले ये दो क्रॉस करने के बाद, यानी कितने परसेंट रिजल्ट हमें मिले, यानी सीज़न में जैसे पहाड़ी 3 दफ़ा ब्रीड करता है तो उन्होंने सीज़न में कितने दफ़ा ब्रीड करी? जी जी, ये भी बिल्कुल आम पहाड़ी की तरह अप्रोच होता है, जैसे 3 क्लच ले लो, 2 क्लच ले लो, 1 क्लच ले लो, तो आपके ऊपर है, आप जितना आप छोटा बच्चे को पाल सकते हैं तो आप 2 क्लच भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। यानी क्रॉस कराने के बाद इनको पूरे रिजल्ट मिलते हैं, 3 क्लच जितने साल 3 क्लच दे, आप वो आपके ऊपर है, आप खाना पीना अच्छा रखो तो 3 क्लच भी आपको निकाल सकते हैं। अच्छा, ये बताएं कि इस पेयर की डिमांड क्या है? ये पेयर की डिमांड 35 लाख रुपये, 35 लाख रुपये इसकी डिमांड है। अच्छा रोजी साहब, ये जो आपने येलो पहाड़ी का जो पेयर दिखाया ऑलिव के साथ, ये बताएं आपके पास इसके कितने पेयर मौजूद हैं? जी इस वक्त मेरे पास फार्म पे जो है वो 2 पेयर है, और 1 पेयर जो है मैं आपको अभी दुकान लेके जाऊंगा, आपको मैं दुकान में दिखा दूंगा, 3 पेयर है मेरे पास। अच्छा, ये बताएं कि फाइनल प्राइस हमारे व्यूवर्स के लिए कितने होंगे? भाई ये मैंने आपसे जो कहा है, जो पहला पेयर आपको मैंने दिखाया है वो मैंने इसका 35 लाख रुपये डिमांड है, और ये जो मैंने आपको पेयर दिखाया इसका अभी मैं तकरीबन 40 दिन हो चुके हैं या 35 दिन से इसका मैंने 3 बच्चे निकाल चुका हूँ, जिसमें 2 होलिफ और 1 जो फीमेल वो बच्चा है वो येलो है, और 3 बच्चे निकाल चुका हूँ अभी माशाल्लाह से, ये 15 से 20 दिन के बाद फिर मेरे पास अंडे करेगा। अच्छा, ये बताएं जो आप पेयर दे रहे हैं व्यूवर्स को, ये बताएं इसमें आप ब्रीडिंग की फुल गारंटी देंगे? इसका मैं बिल्कुल गारंटी के साथ दे रहा हूँ, और मैं इसका बिल्कुल लिख के दे रहा हूँ कि इसका ब्रीड की गारंटी है भाई, जो मैं दे, क्योंकि मैं इसका खुद निकाल चुका हूँ। और बकाया जो मैंने आपसे ये कहा, ऐसे तो लोग कह रहे हैं कि भाई 40 लाख और 35 लाख जो आप इसका डिमांड कर रहे सही है, तो ये जो होलिफ पहाड़ी मैंने इसके साथ लगाई, ये सिर्फ होलिफ नहीं है, ये येलो स्प्लिट होलिफ है। जी रोजी खान साहब, यहाँ पर एक मालकन काकाटू का पेयर हमें नज़र आ रहा है। जी ये मालकन काकाटू का ब्रीडर पेयर है, और ये माशाल्लाह से मेरे पास इधर ही ब्रीड करे, बिल्कुल ब्रीडर पेयर है, अगर किसी को चाहिए ये भी पेयर मैं दे दूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, ब्रीडर पेयर है, फुल प्रोग्रेस के अंदर है। बिल्कुल तैयार पेयर है जी। ये बताएं कि इससे पहले इसने ब्रीड करी है, फर्स्ट टाइम के लिए तैयार हुआ है? नहीं नहीं, मेरे पास ये ब्रीड कर चुके हैं, इसने माशाल्लाह से पिछले साल भी मेरे पास ब्रीड किया, उससे पहले 1 साल भी किया, इसका मैंने पिछले साल 2 क्लच लिया है, और इस साल अभी इंशाल्लाह इसके अंडे बचे आ रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि इस पेयर की क्या डिमांड है? ये मेरे पास 2 पेयर है, 1 पेयर का मैंने 10 लाख रुपये डिमांड रखा है, और 1 पेयर का जो है वो तकरीबन 7 से 8 साल का पेयर है, और वो फर्स्ट ब्रीड करेगा उसका मैंने 8 लाख रुपये डिमांड रखा है, वो भी दिखा रहा हूँ और ये भी दिखा रहा हूँ। जी रोजी खान साहब, यहाँ पर हमें काकाटू की एक नया स्पीशी नज़र आ रही है। जी यहाँ पे मैंने मेजर मिचिस का काकाटू का ये मेल है, और लेसर का काकाटू की फीमेल है, ये तकरीबन है 15-16 साल की पेयर है, और माशाल्लाह से ब्रीड भी कर चुके हैं मेरे पास। अच्छा, ये जो मेजर मिचिस काकाटू है इसके आपने मेल लगाया, और लेसर का काकाटू की फीमेल है, और साथ आपने इसी का क्यों नहीं लगाया भाई? बस ये जोड़ा बस शुरू से इसी तरीके से बना हुआ है, तो मैंने भी इसका फिर हिलाया नहीं, मैंने कहा सही, इसके भी बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चे आ रहे हैं, खूबसूरत बच्चे आ रहे हैं भाई। अच्छा, ये बताएं पेयर की डिमांड क्या है? इसके मैंने 14 लाख रुपये डिमांड रखे हैं। 14 लाख रुपये इसकी डिमांड है जी, और मैं आपको इसका ओरिजिनल पेयर भी दिखाऊंगा मेजर मिचेस, वो मैं यहाँ से सुबह लेके गया हूँ, और वो भी मैं आपको दुकान में दिखाता हूँ, अभी लेके चलते हैं इंशाल्लाह। जी रोजी भाई, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ग्रे पैरेट एक्टिविटी के अंदर है। जी ग्रे पैरेट माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार है, अभी जिसके ऊपर कैमरा है ये मेल है, और इसके बराबर में जो है ये फीमेल है, फीमेल जो है सिल्वर कलर है, और मेल जो है वो डार्क कलर है। अच्छा, ये बताएं कि ग्रे पैरेट के ब्रीडर पेयर की डिमांड क्या है? ग्रे पैरेट के ब्रीडर का पेयर आपको मैं दे दूंगा 2 लाख रुपये का पेयर, ऐसे 2-2.5 लाख रेट चले, मैं आप लोगों के लिए 2 लाख रुपये कर दूंगा, 10 पेयर पड़ा हुआ है माशाल्लाह से, सब ब्रीड कर रहे हैं, सब तैयार पेयर है। अच्छा, ये बताएगा रोजी भाई के ये जो ग्रे पैरेट के आपके पास ब्रीडर पेयर हैं, साल में कितने क्लच दे रहे हैं? ये माशाल्लाह से 2-3 क्लच मेरे पास सब ग्रे पैरेट ब्रीड कर रहे हैं। जी रोजी भाई, इस पेयर के बारे में बताएं। जी ये येलो स्प्लिट का मेल है, ओलिफ,
और ये माशाल्लाह से अगर किसी को ब्रीडिंग के लिए चाहिए या किसी के पास डार्क ग्रीन की फीमेल है, ये मैंने इसके साथ डार्क ग्रीन की फीमेल भी लगाई, वो भी जो है वो येलो स्प्लिट की है और मेल भी येलो स्प्लिट की। ये बिल्कुल अगर किसी को ये पेयर चाहिए, ये पेयर भी मैं दे दूँगा। पेयर की डिमांड क्या है? इस पेयर की डिमांड मैंने 15 लाख रुपये रखा है और बिल्कुल तैयार पेयर है, किसी को ब्रीडिंग के लिए चाहिए। ये डार्क ग्रीन जो है वो भी येलो स्प्लिट के और जो होलीफ है वो भी येलो स्प्लिट के इनर है। जी रोजी भाई, क्या दिखाने जा रहे हैं व्यूअर्स को? ये अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरे पास इसमें मैंने एक पेयर लगाया, येलो की फीमेल है और डार्क ग्रीन का जो है वो मेल है और माशाल्लाह से मेरे पास ब्रीड आ रही है। इधर देखो, बिल्कुल तैयार पेयर है, अंडे भी दिए। अच्छा, ये 4 अंडे दिए माशाल्लाह से, देखो माशाल्लाह। तो ये 4 जो है अंडे दिए हैं और पहाड़ी का मेल है और येलो रिंगनेक की फीमेल है। ये डार्क ग्रीन का जो है ये मेल है और ये माशाल्लाह से इसके भी जो बच्चे आ रहे हैं वो भी येलो और ये उसमें आ रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ जो हरा पहाड़ी नहीं है, ये डार्क ग्रीन जो है ये भी स्प्लिट में, ये माशाल्लाह से मेरे पास ब्रीड करे, उसके बच्चे भी मैं जमशेद भाई को पिछले साल दिखा चुका हूँ, लेकिन उसका बच्चे सिर्फ हरा कलर आया था लेकिन वो जो होता है दरमियाना से था। अभी माशाल्लाह से जो मेरे पास इस दफ़ा बच्चे आएगा वो येलो कलर में होगा इंशाल्लाह। आप कह रहे हैं कि अब जो इनके चिक्स आएंगे वो येलो कलर में आएंगे इंशाल्लाह, येलो भी आएगा और इसी तरीके से भी आएगा और ओलिव भी आ सकते हैं इसमें। अच्छा, ये बताएं कि साइज में ये कैसे होंगे चिक्स? अगर बड़े पैरेट ये पहाड़ी जैसे होते हैं माशाल्लाह से। अच्छा, इनका साइज जो है पहाड़ी जैसा होता है जब ये बड़े होते हैं तो? जी जी। अच्छा, वैसे आपने जो इनको क्रॉस करवाया वो येलो रिंगनेक की फीमेल के साथ आपने पहाड़ी के मेल को लगाया? जी जी। ठीक है, तो ये बताएं इस पेयर की डिमांड क्या है? यार इस पेयर का डिमांड अभी इसका अंडे भी है तो इसका अभी फिलहाल तो मैंने बेचने का वो नहीं किया, लेकिन बहरहाल इसका जो मैंने डिमांड रखे है वो 3 लाख रुपये। अच्छा, 3 लाख का ये पेयर है। जी रोजी भाई, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि कुछ यहाँ पर पहाड़ी जो है उनकी ब्रीडिंग प्रोग्रेस चल रही है। जी, ये माशाल्लाह से मेरे पास पहाड़ी के तकरीबन 15 से 20 पेयर है और माशाल्लाह से सब मेरे पास ब्रीड करा है। अभी देखो सबके अंडे आए हुए हैं आपके सामने। तो ये बताएं कितने अंडे दिए उन्होंने? ये 3 अंडे दिए भाई इसमें। 3 अंडे हैं, तो ये बताएं ब्रीडर पेयर कितने दफ़ा ब्रीड कर चुका है? ये मेरे पास सब जोड़े 3-3, 4-4 क्लच कर रहे हैं, 3 क्लच 2 क्लच। मैं इसका अंडे भी घुमा रहा हूँ माशाल्लाह से, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। मकाऊ की भी मेरे पास ग्रीन विन पेयर ने अंडे दिए हैं, वो भी मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, ये बताएं इस ब्रीडर पेयर की डिमांड क्या है? इस ब्रीडर पेयर की डिमांड जो मैंने 70,000 रुपये रखे है। जी रोजी भाई, ये है वो पेयर जो ब्रीडर पेयर आप दिखा रहे थे जिसके एग्स आपने दिखाए थे। जी, ये मेरे पास 15 से 20 पेयर है जमशेद भाई, आपको इस कैमरे घुमा के दिखाएगा। माशाल्लाह से सब मेरे पास अंडे बच्चे कर रहे हैं और सब बिल्कुल तैयार पेयर है। आपके पास 15 से 20 पेयर हैं पहाड़ी के ब्रीडर पेयर हैं सारे? 20 पेयर है मेरे पास सब, और आपको ग्रे पीरियड भी दिखाया है, रिग्नेट भी दिखाया है, सब माशाल्लाह से सब ब्रीड कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर रोजी भाई के पास 15 से 20 पेयर हैं पहाड़ी के जिनकी हिस्ट्री जो है वो ब्रीड करते हुए आ रहे हैं। जी रोजी साहब, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ग्रीन विन मकाओ जो है एक्टिविटी के अंदर हमें नज़र आ रहा है। जी, ये ग्रीन विन का मकाओ का पेयर है और ये बिल्कुल ब्रीडर पेयर है। इसका अभी मैंने अंडे निकाल चुका हूँ, मैंने पहाड़ी के नीचे रखे और अभी इसका मैं अंडे भी आपको दिखा रहा हूँ। ये बिल्कुल ब्रीडर पेयर है, अगर किसी को ब्रीडिंग के लिए चाहिए बिल्कुल ये गारंटी के साथ मैं दे रहा हूँ। अच्छा, तो ये बताएं कि इस ब्रीडर पेयर की डिमांड क्या है? भाई ऐसा देखो, मार्केट में ऐसे ऐसे पेयर है, 6 लाख का भी है, 6.5 लाख का भी है और लोग ऐसे ऐसे पेयर है जैसे ये पेयर मेरे पास, इसके ऐसे पेयर का लोग 15-15 लाख भी मांगते हैं, 12 लाख भी, लेकिन ये पेयर मैं आपको 8 लाख रुपया का दे दूँगा और बिल्कुल ब्रीड की गारंटी। और अभी इसका मैं आपको अंडा भी दिखा रहा हूँ, ये मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 2 क्लच निकाल रहे हैं। इसका अंडे में जो नीचे घुमा रहा हूँ, अगर मैं इसके नीचे रखूँ तो ये 4 बच्चे गारंटी के साथ निकाल रहा हूँ। जी व्यूअर्स, तो अभी जो हमारी नज़र है ये ग्रीन विन मकाओ के सेकंड पेयर के ऊपर नजर है। जी रोजी भाई, आपके पास कितने पेयर हैं इनके? जी मकाओ का मेरे पास जो है ऐसे टोटल तो मेरे पास 5 पेयर है, जिसमें 2 ब्लू गोल्ड है, 2 ग्रीन विन है और माशाल्लाह से लोगों के पास ग्रीन विन का ब्रीड नहीं आ रहा, मेरे पास बहुत अच्छा है। ग्रीन विन का जो है वो खाना पीना आप हद से ज्यादा रखो, इसका खाने पीने का मतलब ये है कि आप इसको बादाम अखरोट इसको इस चीज़ का ज़्यादा दो, ये फिर माशाल्लाह से ब्लू गोल्ड से फिर ये ब्रीड कर, जैसे ब्लू गोल्ड जो बिल्कुल आसानी से ब्रीड करे ये सख्ती से ब्रीड करे, लेकिन इसके खाने पीने पे ज़्यादा ध्यान दो तो ये बिल्कुल आसानी से ब्रीड करे। ये भी माशाल्लाह से मेरे पास ब्रीडर पेयर है, ये भी मैं देना चाह रहा हूँ। अच्छा, इसके पेयर की डिमांड क्या है? ये भी 8 लाख रुपये के भाई, ऐसा मार्केट में बहुत जैसे आम जोड़ा होते हैं, लोग कहते हैं कि भाई ये ब्रीडर पेयर है, नहीं मैं आपको देखो सामने दिखा रहा हूँ, बॉक्स के अंदर फीमेल है और ये बाहर मेल है। DNA करवा के दे दूँगा, मेरे पास DNA इसका पुराना भी पड़ा और नया भी DNA मैं आपको करवा के दे दूँगा और बिल्कुल माशाल्लाह से ब्रीडर पेयर, ब्रीड की गारंटी है भाई। जी रोजी भाई, ये बताएं कि ब्लू एंड गोल्ड के मकाओ के आपके पास कितने पेयर हैं और क्या डिमांड है? जी ब्लू गोल्ड मकाओ के मेरे पास तकरीबन इधर है 2 पेयर और दोनों माशाल्लाह से ब्रीड करे, ब्रीड की गारंटी है भाई। अच्छा, ये बताएं कि ब्रीड करते हुए आ रहे हैं? जी मेरे पास इधर ब्रीड कर रहे हैं, अभी मैं देखूंगा बॉक्स में क्योंकि मैंने अभी तक नहीं देखा, ये सिर्फ अभी वीडियो देखी कि बाहर आए कि ये बिल्कुल रेडी है, तैयार
अब ये अगर नहीं दोगे तो 5-6 दिन में अंडे उतारेगी, क्योंकि इसका तारीख मुझे पता है, इसी दिनों में ये ब्रीड कर रहे हैं। ठीक है, साल में कितने कलर्स दे रहे हैं ये? साल में मेरे पास 10 अंडे दे रहे ब्लू गोट। अच्छा। पहले दे रहे 4 अंडे, फिर तीन। अच्छा, कीमत बताएगा इनकी? कीमत मैंने इसका 7 लाख रुपये रखे है पेयर। 7 लाख रुपये पेयर है जी। रोजी भाई, यहाँ पर हम देख रहे हैं काकाटू की एक स्पीशी नज़र आ रही है, इसके बारे में बताएं व्यूअर्स को। जी, ये टाइट्रोन और मीडियम सल्फर की क्रॉस पेयर है, और ये बिल्कुल ब्रीड के लिए रेडी है, और ये माशाल्लाह से मेरे पास ब्रीड भी करी इधर ही, और बिल्कुल तैयार पेयर है। अगर किसी को ब्रीडिंग के लिए चाहिए तो बिल्कुल रेडी पेयर। आप इसका ताज देखो, मीडियम सल्फर के ताज नहीं होते, देखो ये मीडियम और टाइट्रोन क्रॉस है। माशाल्लाह, ताज तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये बताएं साल में कितने क्लच दे रहे हैं ये? मेरे पास 2-3 क्लच देते हैं, सब मेरे पास 2-3 क्लच, क्योंकि इसका मैं अंडे घुमा भी रहा हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस वजह से ज़्यादा घुमा रहा हूँ कि मैं इससे ज़्यादा बच्चे ले लूँ। अगर किसी को घुमाना नहीं आता है तो अंडे किसी के ऊपर छोड़ दे, फिर 2 क्लच आराम से देगी इंशाल्लाह। ठीक है, डिमांड बता दें इसका? डिमांड मैंने 4 लाख रुपये रखे। अच्छा, ये बताएं इसके आपके पास कितने पेयर मौजूद हैं? ये मेरे पास 1 पेयर है बकाया से, मेरे पास टाइट्रोन भी है और मीडियम भी है, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मेरे पास 1 पेयर है जो टाइट्रोन और मीडियम क्रॉस है, बिल्कुल ब्रीडिंग की गारंटी है। जी रोजी भाई, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक आएगा, आप जो दिखा रहे थे उसके बारे में बताएं। जी, ये जो ग्रीन विन मकाओ का अंडा, देखो मैंने एक इस पहाड़ी के नीचे रखा है, एक मैं आगे आपको पहाड़ी दिखा रहा हूँ उसकी मैंने नीचे रखा है। ये सब देखो, ये पहाड़ी के नीचे मैं इसलिए घुमा रहा हूँ कि मेरे पास बच्चे जो है वो ज़्यादा आ जाए। अच्छा, तो आपने ग्रीन विन मकाओ के एग्स जो हैं पहाड़ी के नीचे रखे हैं फ्रॉस्टिंग के लिए? जी, मैं कहता हूँ कि मेरे पास ज़्यादा ब्रीड आ जाए, इस वजह से जो है 3 क्लच 4 क्लच भी मैं लेता हूँ, इस वजह से मैंने देखो अंडे या घुमाने के लिए मैंने पहाड़ी रखा है। आप जी रोजी साहब, इस पेयर के बारे में बताएं, मेजर मिचेस के बारे में। जी, ये मेजर मिचेस काकाटू का पेयर है, और ये DNA पेपर के साथ, ये 14 से 15 साल पुराना पेयर है और बिल्कुल ब्रीडर पेयर है ये। अच्छा, मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी के अंदर नज़र आ रहा है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत पेयर है और बिल्कुल ब्रीड के लिए तैयार है, इसी सीजन में इंशाल्लाह ये ब्रीड करेगा इंशाल्लाह। फर्स्ट टाइम ब्रीड करने जा रहा है? नहीं, ये ब्रीडर छोड़ा है, ब्रीड किए हुए पहले भी। कितनी दफ़ा ब्रीड करता हुआ आ रहा है ये? 2-3 दफ़ा पहले कर चुका है, अभी भी ब्रीड के लिए रेडी है बिल्कुल। चलो जी साहब, पेयर की डिमांड बता दें व्यूअर्स के लिए। मैंने 25 लाख रुपये डिमांड रखे है भाई। 25 लाख रुपये डिमांड है जी। रोजी साहब, इस पहाड़ी के बारे में बताएं। जी, ये येलो अलेक्जेंडर का मेल है और ये तकरीबन 5 से 6 साल का मेल है। अगर किसी को ब्रीडिंग के लिए चाहिए, माशाल्लाह बहुत अच्छा मेल है ये। अच्छा, तो इसकी डिमांड क्या है? इसका डिमांड मैंने रखा है 25 लाख रुपये। 25 लाख रुपये सिंगल मेल की डिमांड जी। अच्छा, ये बताएगा येलो पहाड़ी के आपके पास कितने मेल मौजूद हैं? येलो पहाड़ी के ये 1 मेल है मेरे पास, बकाया तो मैंने जो आपको फार्म भी दिखाया वो आपको दिखाया। ये माशाल्लाह से ब्रीडिंग के लिए अगर किसी के चाहिए बहुत अच्छा मेल है ये। अच्छा, ये बताएं रोजी साहब के अगर कोई ये मेल परचेज करता है तो ये बताएं कि इसके साथ कौन सी फीमेल लगानी चाहिए क्रॉस के लिए? जी भाई, आप इसके साथ जो है देखो, आप होलिप भी लगा सकते हैं, स्प्लिट में वाइट भी आप लगा सकते हो, आप हर एक लगा सकते हो। अगर आपको कलर मिसाल के तौर पर आप कह रहे हो यार कोई मसला नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ इसका अगर आप होलिप की फीमेल दे दो तो बेहतर ही है ये, लेकिन होलिप में स्प्लिट या डार्क ग्रीन में स्प्लिट हो मिल जाए तो ये ब्रीडिंग के लिए बिल्कुल पेपर बिल्कुल सही है। जी रोजी साहब, व्यूअर्स को आप फार्म काकाटू हैंड टेम पे दिखा रहे हैं। जी, ये फार्म काकाटू का माशाल्लाह मेल पीस है, बहुत अच्छा टेम है और फुल फ्लाइंग टेम है, इसका पर भी मैंने नहीं काटा है। अगर किसी को चाहिए ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा पीस है, साफ़ सुथरा पीस है ये, बहुत खूबसूरत दाना है। आप देखो आपके सामने, अभी ये जगह ज़रा छोटा है तो इस वजह से मैंने इसको देखो ये छोड़ दिया, बहुत अच्छा मेल दाना है और बहुत अच्छा टुकिंग भी कर रहे हैं, मस्ती भी कर रहे हैं। जी रोजी साहब, इसकी एक्टिविटीज़ बताएं व्यूअर्स। ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा ये फला हुआ दाना है, असल में इस जगह ज़्यादा छोटा है, ये थोड़ा डर रहा है, और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत दाना है और बिल्कुल ये देखो काट माट कुछ भी नहीं रहे, ज़रा ये देखो सिर्फ डर रहे और कुछ भी नहीं, माशाल्लाह से बहुत अच्छा मस्ती कर रहे। अगर किसी को चाहिए माशाल्लाह से ये देखो बहुत खूबसूरत पीस है ये। अच्छा, ये बताएं रोजी भाई, इसकी डिमांड क्या है? इसका मैंने 15 लाख रुपये डिमांड रखे, इसको देखो जबान से जबान मिला कुछ नहीं कहते तो मेरे पास माशाल्लाह से रात को मैं इधर कभी कभी निकालता हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा टॉकिंग भी करे, बहुत अच्छा बोल भी रहे माशाल्लाह से। माशाल्लाह। तो व्यूअर्स देख सकते हैं बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, बिल्कुल भी बाइट नहीं कर रहा और काफ़ी प्लेफुल है जी, देख सकते हैं आप लोग। तो व्यूअर्स, ये था रोजी खान साहब के सेटअप का विज़िट। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेटअप का विज़िट करके आपको काफ़ी मज़ा आएगा। यहाँ पर हमने नया बर्ड्स देखे, जिसमें आज हमने येलो पहाड़ी देखे, इसके अलावा मेजर मिचेस काकाटू देखे और पाम काकाटू टेम बर्ड देखा। तो आज काफ़ी मज़ेदार प्रोग्राम था, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने देख के एंजॉय किया होगा। आप रोजी खान साहब से लेते हैं इजाज़त। जी रोजी खान साहब। जी, मैंने आपसे ये कहा था मैं 2-3 बात करना चाहूँ, ये है कि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा आइटम आपको हमेशा मिल जाएगा, ऐसा कोई मसला नहीं है।
तो इंशाल्लाह मैंने आज आपको अपना फार्म भी दिखाया और माशाल्लाह से आपको मैंने बर्ड्स भी दिखाया। कभी भी इंशाल्लाह किसी भी बंदे को कोई बड़ा आइटम चाहिए तो इंशाल्लाह मेरे साथ रबित रख सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप पे मैसेज भी छोड़ सकते हैं। मेरे पास पहाड़ी भी है, मेजर मिचिस भी है और आपको स्टालेट भी दिखाया, फार्म का कट्टू भी दिखाया और आगे भी मैं आपको इंशाल्लाह दिखाता रहूँगा। इससे अच्छा अच्छा इंशाल्लाह अभी मैं इंशाल्लाह और पे जा रहा हूँ, व्हाइट पहाड़ी भी दिखाऊँ, ग्रे पहाड़ी भी दिखाऊँ, तो इंशाल्लाह नया वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दिखाता रहूँगा। जैसे जैसे मेरे पास माल आता रहेगा तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दिखाता रहूँगा इंशाल्लाह। तो रोजी साहब, नेक्स्ट एपिसोड के बारे में बता के आपने पहले से व्यूवर्स को एक्साइटेड कर दिया है। इंशाल्लाह देखो भाई, मैं तो आप लोगों को हमेशा माल दिखाता रहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास माल आते रहते हैं और हर हफ्ते में मेरे पास माल आ रहे हैं और माशाल्लाह से पुराना माल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपकी कोशिश होगी ग्रे पहाड़ी भी। इंशाल्लाह भाई देखो, जैसे मेरे पास माल आने का इंशाल्लाह उतरेगा तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह गोल्डन किनोर, ब्लू आइस का कटू, ये सब मैं इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाता रहूँगा। जितना मेरे साथ इंशाल्लाह गुंजाइश हो सकेगी इंशाल्लाह मैं उसी हिसाब से माल लेकर आता हूँ, आप लोगों को मैं इंशाल्लाह दिखाता रहूँगा। और इंशाल्लाह भाई आप चीज़ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, ये मैंने आप लोगों को पहले भी क्लियर किया और अभी भी क्लियर करूँ। जो मैंने आपको कह दी कि ये ब्रीडर पेयर है तो उसका ब्रीड की गारंटी है, जो मैंने आपको कह दी ये बॉन्डेड पेयर है तो बॉन्डेड पेयर है, जो मैंने आपको कह दी ये बोलने के हिसाब से बहुत अच्छा है तो बोलने के हिसाब से इंशाल्लाह हमेशा अच्छा होगा। इसी से आप लोग बेफिक्र हो जाओ इंशाल्लाह। मैंने आपको इस वजह से आज फार्म दिखाया क्योंकि बहुत लोग ये कह रहे पता नहीं रोजी कहाँ से माल लेकर आ रहे, बिला वजह ब्रीडर कह रहे। नहीं भाई, बिला वजह नहीं, जो मैं कहता हूँ बॉन्डेड है तो बॉन्डेड है, जो मैं कहता हूँ ब्रीडर है वो ब्रीडर है। चीज़ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ इंशाल्लाह। जी साहब बहुत शुक्रिया, जजाकल्लाह। इंशाल्लाह फिर दोबारा नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तो व्यूवर्स, ये था रोजी खान साहब के सेटअप का विजिट। उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे व्यूवर्स जो क्यूरीज में थे कि रोजी खान साहब के पास सेटअप नहीं है, रोजी खान साहब माल कहाँ से लाते हैं, तो आज उनकी क्यूरीज क्लियर हो गए होंगे। रोजी खान साहब ने अपना सेटअप दिखाया और ब्रीडिंग करते हुए पैरट्स भी दिखाया। और आप लोगों से एक दरख्वास्त करता हूँ व्यूवर्स के, जितने भी हम नयाब और स्पेशल बर्ड्स, यूनिक बर्ड्स आप लोग की खिदमत में लाते हैं तो आप लोग देखने के बाद ज़रूर माशाल्लाह बोला करें। तो ये था एक नया विज़िट, ये थी एक नई वीडियो, लेटेस्ट वीडियो सेटअप की। उम्मीद करता हूँ कि ये सेटअप की वीडियो आप तमाम व्यूवर्स को पसंद आई होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरीके से कंटिन्यूसली आप लोग के लिए सेटअप की नई नई वीडियोस लाते रहें तो आप लोग उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँच जाए। इंशाल्लाह फिर दोबारा हमारी टीम आप व्यूवर्स की खिदमत में एक नए प्रोग्राम के साथ पेश होगी। जब तक के लिए हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। कैमरामैन जमशेद आसमी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।